अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहनों और भाइयों, बुज़ुर्गों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सुरल्ला के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, तो हम करने वाला है। आज आपने देखा कि हमने शुरू किया मोर से, मोर के डांस से। हम आज आए हैं एक फॉर्म में, तो क्या आपको पता है कि हमारा ज़्यादातर शौक़ जो है वो घूमने फिरने का, खाने पीने का और पेट्स का है। आज जो वीडियो है वो पेट्स के ऊपर है। हम एक फॉर्म पर आए हुए हैं G13 में, दोस्त हमें लेकर आए, और ये इसका ओवरऑल व्यू है। और अभी हम अंदर जाके एक चीज़ आपको बताएंगे, शूट करेंगे। ये एक फॉर्म है G13 में। ये एक बुखारी साहब हैं, हमारे दोस्त के दोस्त, उनके रेफरेंस से हम आए हुए हैं यहाँ। और शोर शराबे तो काफ़ी सारे हो रहे हैं। अब इंशाल्लाह हम इनको एक एक करके देखेंगे। आपको शुरुआत करवाते हैं डॉग ब्रीड से। डॉग ब्रीड जो इनके पास है वो है हस्की। ये है जी हस्की। तो मिक्स सही लग रहा है, मगर नहीं, मिक्स नहीं है। इसकी एक आंख जो होती है वो पता से पता लगता है कि प्योर है कि नहीं। ये वुल्फ, वुल्फ की ये क्रॉस होता है, और ये हस्की के नाम से। और ये देखें, एक आंख इसकी ब्लू है और एक ग्रीन, ये इसकी प्योरिटी की निशानी है। और सही रिकमेंडेड नहीं है कि इसको एज अ पेट आप रखें, पेट रखा जाता है, मगर ये किसी वक्त भी हो सकता है। जैसे हमारे पास लेवरा थे, वो अच्छे थे, बच्चों के फैमिली के साथ आप रख सकते हैं। इसका मुझे इतना आइडिया नहीं कि फैमिली के साथ ये यूज़ तो होता है था। तो खैर, ओवरऑल जो ब्रीड है डॉग्स की वो ज़्यादातर पैटी होती है। ये कबूतर रखे हैं इन्होंने, और ये एक और कोई डॉग है। ये मेरे ख्याल है कुहाटी, वो बताएंगे, मुझे आइडिया नहीं है इसके ब्रीड का, कुहाटी इस तरह कुछ होगा, मगर ये फसल के लिए अच्छा है। तो ये है इनके डॉग्स की, ये ओवरऑल है। अंदर जाके क्या कहाँ से पेरेंट्स हैं वो उनसे पूछेंगे, बुखारी साहब जो आते हैं इनके। और इनके माशाल्लाह ग्रीनरी भी आप देखें, ज़बरदस्त। पौधों की जो शौकीन लोग हैं वो भी देख सकते हैं, फॉर्म वगैरह तो लगे हुए हैं। ये माशाल्लाह, ये देखें, सुभान अल्लाह, बड़ी मेहनत इसके पीछे जो है, बड़ी मेहनत है, चाहे वो पेट्स हों चाहे वो जो है वो ग्रीनरी हो। ये देखें, ये और ये गुलाब की, ये गुलाब। फिलहाल अभी मैं ग्रीनरी से शुरू कर रहा हूँ। और ये देखें, मेरे ख्याल इन्होंने थोड़ी जो है ना ये नर्सरी टाइप बनाई हुई है आने वाले उसमें। ये ज़बरदस्त। वालदा को मेरी का बहुत शौक है, देखते हैं अगर कोई पसंद चीज़ आ गई तो ले जाएंगे और आपको दिखाएंगे भी कैसे लगती है। ये माशाल्लाह अच्छा बड़ा लग रहा है कि मेहनत हुई भी है। पीछे बैकग्राउंड पे जो है वो तोते वगैरह ये कुछ होंगे, तो हम देखते हैं बाद में। मगर फिलहाल ग्रीनरी की मेहनत माशाल्लाह, ये भी एक शौक है। तो मुझे इतना इंटरेस्ट इतना नहीं है, थोड़ा बस ये पता है कि ये तो मेरे ख्याल है कोई पाम्स वगैरह का ज़्यादा पता है कि पाम्स लगे हुए हैं, कोई कंगी पाम होता है, कोई कौन सा पाम होता है, खैर वही बताएंगे। और ये ग्रीनरी सी, ये इधर भी है, उधर भी देख लेते हैं। ये मेरे ख्याल इन्होंने कुछ अभी सेटअप न्यू होगा शायद, ये अभी गैस ही है, क्योंकि जिनका फॉर्म है वो आएंगे तो वो बताएंगे कि क्या है और क्या नहीं है। ये देखें, ये भी खूबसूरती का एक मंजर है। ये है हमारे दोस्त जिया जानी साहब, पेशावर के, ऑल द वे फ्रॉम दीर। इनके साथ आने वाले वक्तों में बड़ी अच्छी वीडियो शूट होंगे इंशाल्लाह, दीर की गर्मियों में। जिया साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? ये कहाँ हम आज आप हमें लेकर आ गए? ये अरशद बुखारी साहब का फार्म हाउस है, जहाँ पे काफ़ी सारे परिंदे, कबूतर और तोते बहुत सारे हैं। तो अभी बुखारी साहब पहुँच रहे तकरीबन 10 मिनट में, तो हमें डिटेल से बताएंगे कि यहाँ पे कौन कौन से किस्म के पैरट्स और परिंदे उन्होंने रखे हुए हैं। तो देखते हैं आगे, अभी अरशद साहब आ जाएंगे तो फिर आपको और सैर करवाते हैं। चले व्यूवर्स देखें, जब तक हम ग्रीनरी देखते हैं, जैसा कि आगे भी देख रहे हैं हमारे जिया जानी साहब, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, जो कि हमें लेकर आए हैं हमारे हमारी फरमाइश पे आज। तो ये ओवरऑल चले, मैं साथ साथ जो नज़र आ रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मुझे पता, ये मुझे फीजेंट लग रहे हैं, और ये फीजेंट हैं बिल्कुल ऐसा ही है। और ये ज़्यादातर मुझे जो लग रही है वो फीमेल लग रही हैं, दो मेल लग रहे हैं। और ये जो है इधर कुछ भी नहीं है, मगर है इधर मोर है, ये
ये मोर है, ये मेल है। अल्लाह ताला ने बड़े मामलात ऐसे रखे हुए हैं कि जो मेल होता है वो खूबसूरत होता है, जिसकी मिसाल जिंदा मिसाल मोर है, मोर डांस करता है पर होता है, जो फीमेल होता है वो जो है वो उस नहीं होता। ये वाइट मोर है और साथ जो है ना ये रिंग नेक वाला वो भी है। अब वो कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा, हमारे सामने नाच नहीं रहा, शुरू में हमने कैप्चर कर लिया इसको। तो ये मोर की एग्जाम है, ये जो है वो अगर आ जाएगा ना तो बहुत खूबसूरत वाला पर्सन का ये जी देखें, ये छिनकियारी में हमने शायद एक शूट किया था, ये येलो मेरे ख्याल है कि है ये मेल और फीमेल, ये कोई कुचिन, क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, शामू नहीं है कोई कुचिन, कुचिन इस तरह कुछ है, शामू नहीं है इस तरह की, मगर वही बताएंगे भाई साहब, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज़ है वो आपको पता है कि पैरट्स में, ग्राउंड बर्ड्स में नहीं है। ये ग्राउंड बर्ड्स कहलाते हैं जो कि उड़ नहीं सकते, जिसमें मोर आता है, तितर आता है, चकोर आता है और ये मुर्गियाँ शुर्गियाँ आती हैं। खैर वो आते हैं देखते हैं। मीनवाइल ये देखें माशाल्लाह बड़ा अच्छा माहौल है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, खुशी है और आप लोग को भी मज़ा आ रहा होगा। देखते हैं स्टे ट्यून, वो आते हैं तो फिर देखते हैं। ये फॉस्टरिंग के लिए रखे हुए लवबर्ड, ये इन्होंने कॉलोनी बनाई हुई है। वो लास्ट में ना होगो मैं आता हूँ, सब लोग ठीक है आप करें। ये जी इंग्लिश अंगूरा, ये नहीं ऐसे नहीं होते ब्रीडिंग। ये देखो बिल्ली की तरह होता है, दे दिए खुशदिल को दे दिए थे वैसे ही, जाओ उसने मार दिए बस। कहाँ गए अपने इनके पता नहीं, बात बैठी पड़ी हुई थी, वो अंडों पे बैठे हुए हैं। साफ साफ सेफ चल रही है, देखिए गेंद की वैक्सीनेशन, ये मसला खराब होता है। आयरन मैक्टीन और ये लगाते हैं तो इसको आयरन मैक्टीन वगैरह प्रकोशों को फड़ो फड़ो। तो मैंने कह रहा था कलर्स होते हैं इसमें, ये 50,000-60,000 रुपये होते हैं। ये देखें जी रिंग नेक की, रिंग नेक का सेटअप है माशाल्लाह। क्या बात है, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। ये क्या क्या देखे हैं सुभान अल्लाह, हमारी भी ख्वाहिश है हम ऐसे रखें। ये है इनका रिंगना का सड़क सबने दिखाया, अब आगे चलते हैं। ये कॉकटेल से शुरू कर रहे हैं, कॉकटेल माशाल्लाह, और ये रॉ
बेबी कंगरे कहते हैं इसको, ये रोजीला है। ये रोजीला है, ये आगे सारे ब्रीडिंग सीजन है तो ये अंदर गए हैं। ये ये अमेजोन, ये वन ऑफ माई फेवरेट अमेजोन पेयर माशाल्लाह। पानी कहाँ से लगा? लग गया होगा, ये लॉरी रेड लॉरी। ये अमेजोन के कोर पेयर तुम्हारा, बड़ी मेहनत होती है इसमें, लग ऐसे रहा है। ये ग्रे का आप देख रहे हैं अंदर, बिल्कुल उसके ब्रीडिंग सीजन में अंदर गया हुआ है, अल्लाह करे कि ब्रीड कर जाए। ये फिर माशाल्लाह माशाल्लाह, ये लॉरी सॉरी ये रोजीला, ये रॉक मेरे ख्याल फीमेल अंदर है। तो ये तो इनका एक विंग हो गया, आगे चलते हैं क्या है, ये ओवरऑल व्यू है। ये ज्यादा ब्रीडिंग इनका सेटअप, ये देखें ग्रे को भी सारे ब्रीडिंग में हैं, ये अंदर चले गए होंगे, मतलब नेसारों में ग्रे हैं ये। ये देखें सारों में जो भी है रखा हुआ इन्होंने, और ये जो है रिंग नेक है, क्योंकि हम जल्दी में काफ़ी सारी चीज़ देखने के लिए। ये लेपर्ड्स का सेटअप है, डिटेल में हम नहीं जा रहे क्योंकि टाइम वहाँ पर शॉर्ट है, और ये अंदर ही मुझे बड़ा मज़ा आया। मैं एक आपको व्यू दे दूँ, ये जो है जावाज और लव बर्ड्स इस तरह के सारा, क्योंकि अंधेरा लाइट नहीं है, मज़ा नहीं आया। हमें डॉग भी हैं इनके पास माशाल्लाह, बहुत अच्छा सेटअप है, अल्लाह बरकत दे इनको। देखते हैं आगे चलते हैं जहाँ लाइट हो। ये सारे इन्होंने सेटिंग की हुई है, कुछ देखना है इंडिया में वो। सुहान अल्लाह, ये ग्रीन वाला लेना। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, बड़ा मज़ा आया आपको ब्रीड शीट दिखाई है, और इंशाल्लाह आगे भी हम जाया करेंगे। तो ये ओवरऑल व्यू है फार्म का, अल्लाह ताला इनके बरकत डाले, माशाल्लाह बहुत मज़ा आया, उम्मीद है आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें मोहिब ऑफिशियल चैनल को, ताकि हम मज़े मज़े की वीडियो आप तक पहुँचा करें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।